अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और हम इस सिलसिले को कंटिन्यू कर रहे हैं बुक रिव्यूज़ के। आज जो किताब मैं रिव्यू कर रहा हूँ ये टिमोथी विनगार्ड ने लिखी है, इसका नाम है दी मॉस्किटो। ये मच्छरों की हिस्ट्री के ऊपर किताब है, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। अगर आप डेंगी फीवर के ऊपर या मलेरिया के ऊपर या मच्छरों से होने वाली बीमारियों के ऊपर काम कर रहे हैं तो किताब आप ज़रूर 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 पढ़िए। आपको एपिडेमिक मॉडलिंग के अंदर किताब बड़ी फ़ायदेमंद होगी। इस किताब में बताया गया है कि दुनिया की जो हिस्ट्री है, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, तकरीबन दुनिया में अभी तक 108 बिलियन लोग आए। अभी तो दुनिया के बाद ही 7 बिलियन है, लेकिन अब शुरू से लेकर अभी तक देखें जितने भी लोग दुनिया के ऊपर आए और जा चुके हैं उनकी तादाद 108 बिलियन बनती है। इन 108 बिलियन में से तकरीबन निसफ 52 बिलियन 52 अरब लोग इस मच्छर की वजह से हलाक हुए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट प्रीडेटर है। कोई चीज़ आपको इतनी ज़्यादा इंसानों को हलाक नहीं करती जितना ये मच्छर करते हैं। किस तरह इवॉल्व हो रहे होते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री इस किताब के अंदर दी गई है। रोमन एम्पायर से लेके अफ्रीकन स्लेवरी से लेके कोलंबिया में क्या हुआ, मेक्सिको में क्या हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये मच्छर हैं किस तरह इवॉल्व होते हैं, किस तरीके से इंसानियत का इंसानों को कत्ल करते चले आ रहे हैं, किस तरीके से वैक्सीन बन रही हैं, किस तरीके से नए आ रहे हैं। अभी आपको पता है चाइना में वुहान वायरस चल रहा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया नोवेल कोरोना वायरस की वजह से परेशान है, और ये डेंगू का भी हमारे पास सीज़न आता रहता है, आता है फिर चले जाता है, और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये मच्छरों पे का पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। इस किताब को पढ़ने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप ये देख सकते हैं कि कौन सी जगह जहाँ पे मच्छर ज़्यादा अफजाइश उनकी होती है, आप किस तरह अपने पास आसपास मौजूद सफाई का इंतज़ाम करें कि मच्छर कम से कम हो, और ये मच्छर जिनको बहुत लाइटली रहते हैं ये किस तरीके से आपको और आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो अगेन ये किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसका लिंक मैं शेयर कर लूँगा। किताब का नाम है दी मॉस्किटो, अ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ आवर डेडलीस्ट प्रीडेटर। टिमोथी विनगार्ड ने लिखी हुई है और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन दिस सब्जेक्ट, एक्चुअली ओनली बुक ऑन दिस सब्जेक्ट। तो ये किताब आप ज़रूर पढ़िएगा, इसका लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।